ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। IUDs, intrauterine devices, इनको हम फीमेल की बॉडी यूट्राइन के सिस्टम में जाके उसको क्या बोलेंगे, हाँ, इंसर्ट करेंगे। तो तीन तरह के इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है, ठीक है। पहला को तीन जनरेशन वाइज है एक्चुअली में। पहला नॉन नेमेडिकेटेड टाइप का आता था, दैट इज लिपिस लूप, क्या कहते थे उसको, लिपिस लूप, इसको नॉन मेडिकेटेड कहते थे। अब इसका यूज़ नहीं होता है तो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, इसका अब कोई यूज़ नहीं होता है, इसको यूज़ नहीं करते अपन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन डिवाइसेस वो होता है जो कॉपर रिलीज करता है, कॉपर रिलीजिंग। तो कॉपर रिलीजिंग क्या क्या है मेरे पास, कॉपर टी, CU7 एंड मल्टी लोड 375। थर्ड जनरेशन जिसको कहते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं अपन ना अभी भी, थर्ड जनरेशन हो गया जिसमें हार्मोन्स का कंसंट्रेशन हो, हार्मोन रिलीजिंग। तो इसको दूसरा नाम मिरेना के नाम से भी आता है, मिरेना। दो एग्जांपल होता है जिसका जो दिया रहता है, दैट इज LNG20 मतलब लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल 20 अब प्रोजेस्ट्रेट, प्रोजेस्ट्रेट। ये पूरा क्लासिफिकेशन है IUDs का। तो जो नॉन मेडिकेटेड फर्स्ट जनरेशन अब यूज़ नहीं होता है, दैट इज़ डिस्कार्डेड। सेकेंड जनरेशन इज़ कॉपर रिलीजिंग, ठीक है, एंड थर्ड जनरेशन इज़ हार्मोनल बेस्ड। तो इसमें से कौन सा, ये बताओ सोच के, इस दोनों जनरेशन में कौन सा कॉपर को मारेगा, सॉरी स्पर्म को मारेगा, स्पर्म मोर्टिलिटी कौन डिक्रीज करेगा, स्पर्मिसाइडल कौन सा होगा, या एग्जैक्टली कॉपर। इसमें हार्मोन का है तो स्पर्म प्योर पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ये इम्प्लांटेशन के ऊपर बेस्ड है और ये फर्टिलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ऊपर वाला नॉन मेडिकेटेड सिस्टम में बहुत पुराने ज़माना में यूज़ होता था, तो उसका कोई ख़ास रोल नहीं है। अभी तो उसको कोई रोल नहीं है, एक्चुअली उसका फेलियर बहुत ज़्यादा था इसलिए उसको बंद कर दिए, ठीक है। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग जैसे बताया था कल मैं, ठीक है, हाँ, हमारे तो नेशनल फैमिली प्लानिंग के अंदर दो को लॉन्च किया गया है, दैट इज़ एक को कहते हैं कॉपर टी 380, ठीक, और दूसरे को कहते हैं अपन मल्टी लोड, मल्टी लोड 375। अब ये दोनों देखो, ये है कॉपर रिलीजिंग डिवाइडेड है, मतलब सेकेंड जनरेशन है ना, थर्ड जनरेशन को इंक्लूड नहीं किया गया है अभी भी नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मतलब क्या होता है, ये सब जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और जो PSC CSC में फ्रीली अवेलेबल कराए जाए लोगों को, इसलिए इसको ऐसे कहा गया है, ठीक। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में नहीं होगा, गवर्नमेंट में फ्री में होगा, इसलिए तो नेशनल फैमिली प्लानिंग के अंदर। लेकिन नाको के अंदर, नाको इज एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करके, वो किसको इंक्लूड करता है, थर्ड जनरेशन को, ठीक। अपन अभी पहले सेकेंड जनरेशन देखेंगे फिर थर्ड जनरेशन देखेंगे। तो सेकेंड जनरेशन जो डिवाइसेस है उसको पारा गार्ड भी बोलते हैं। ये देखो ऐसा दिखता है कॉपर टी, कॉपर टी ऐसा दिखता है। 380 वर्ड इसलिए लिखा हुआ है इसमें, 380 का मतलब है कि ये जो डायमीटर है इसका 380 का है, ठीक है। तो इसमें देखो दो आर्म्स है, है ना, एक है वर्टिकल आर्म और क्या है हॉरिजॉन्टल आर्म, एक्चुअली में यह गलत है थोड़ा सा इमेज में, क्योंकि यहाँ पे भी कॉपर का ये रहता है, वर्टिकल आर्म्स में क्या रहते हैं और हॉरिजॉन्टल आर्म, दोनों में भी कॉपर प्रेजेंट रहते हैं, दोनों में कॉपर प्रेजेंट रहते हैं। जो कॉपर टी 370 होता है वो दोनों, कौन से शेप का दिख रहा है, ये टी शेप्ड,
अब इसमें क्या होता है, ये देखो वायर है दोनों तरफ, ठीक है, इस वायर से हमको पता चलता, वायर नहीं इसको थ्रेड बोलते हैं, लेम लेगा जो वायर हो गए, इसको थ्रेड बोलते हैं। ये थ्रेड हेल्प करता है हमको पता करने में, वोमेन इसको फील करके वजाइना में उंगली फील करके बता सकती है कि मतलब कि डिस्पोजिशन तो नहीं हो गया, कहीं चेंजेस इधर उधर तो नहीं चला गया। और दूसरा एक होता है बॉल की तरह प्रेजेंट, बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर्स रहता है, वो क्या करता है यूट्राइन वॉल में परफोरेशन नहीं हो जाए, अगर शार्प डाल देंगे तो क्या हो सकता है परफोरेशन हो सकता है, तो प्रिवेंट करता है किसको, परफोरेशन को। Prevent perforation of uterine wall, ठीक। अब है मेरे पास मल्टीलोड 375। इसमें बस एक ही चीज अंतर किया गया मल्टीलोड 375 में, कि मल्टीलोड 375 में देखो स्ट्रक्चर कॉपर टी की तरह ही है, लेकिन किस स्ट्रक्चर में अंतर क्या है, इसका टी सेप, ये टी सेप स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली में बेंड है, इसका क्या है, ये आर्म बेंड है ना, और जब बेंड है तो साथ साथ में क्या निकले हुए हैं, स्प्रूस ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, इसको स्प्रूट्स कहते हैं। बाकी ये पूरी तरह से सेम तरह का स्ट्रक्चर है, कॉपर है, थ्रेड है, ठीक है, पूरी तरह से सेम टाइप का स्ट्रक्चर्स है। इसके जो ये थ्रेड है ये नायलॉन के बने रहते हैं, ठीक। अब अगर मेरे को कॉपर टी मल्टीलोड किसी में इंस्टॉल करना है तो उसका लाइफ स्पैन लगभग 7 साल का है, 7 ईयर्स तक वो बॉडी में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीलोड, हाँ, कॉपर टी 12 साल बता देते हैं, उसको भी 7 साल तक रह सकता है, लेकिन गवर्नमेंट रिकमेंडेड है कि आप 5 साल के बाद इसको रिमूव करवा दो और रीइंस्टॉल करवा दो दूसरा, ठीक। कॉपर टी के लिए यह है कि इसको इसका लाइफ स्पैन कितना है, लगभग 12 साल का, लेकिन कितना दिन कहते हैं, गवर्नमेंट रिकमेंडेड है कि आप 10 साल के बाद इसको चेंज करवा दो, ठीक। अब ये करता क्या है एक्चुअली में कॉपर टी, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या रिलीज करेगा, कॉपर रिलीज करेगा। अब जब कॉपर रिलीज होगा तो वो क्या कर देगा, क्या काम, कौन सा काम करेगा, स्पर्मिसाइडल एजेंट की तरह काम करेगा, स्पर्मिसाइडल एजेंट की तरह काम करेगा, स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देगा। और कितना रिलीज होता है, 50 माइक्रोग्राम्स पर डे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल तक 50 माइक्रोग्राम करके वो रिलीज होते रहेगा बॉडी में, और वो स्पर्म को स्पर्मिसाइड एज एन स्पर्मिसाइडल एजेंट की तरह काम करेगा बॉडी में, ठीक, सेम, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, सेम मैकेनिज्म में काम कर रहा है, तो दिए पेपर तो चलो, हाँ, किस मैकेनिज्म में काम करता है कॉपर टी, ठीक है। तब अब क्या करें, अगर मैं किसी फीमेल में कॉपर टी इंड्यूस्ड कर, या सेकंड जनरेशन के हिसाब से बात करते हैं, अगर सेकंड जनरेशन आईयूडी इंस्टॉल करवा दिए, आईयूसीडीज, ठीक है, तो अगर आईयूसीडी इंस्टॉल करवा दिए तो क्या रिलीज करेगा, कॉपर रिलीज करेगा टाइम टू टाइम। जब कॉपर रिलीज होगा उसमें एक रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं, जैसे जैसे रिएक्शन होगा कॉपर वहाँ पर रिलीज होगा, उस पूरे यूट्राइन सिस्टम में क्या होगा, स्टेराइल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, स्टेराइल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मतलब होता है, इस स्टेराइल वर्ड का मतलब है कि वो बॉडी को हार्म नहीं करेगा, लेकिन कैसा काम करेगा, स्पर्मिसाइडल एजेंट की तरह, ये हमेशा स्पर्मिसाइडल एजेंट की तरह काम करेगा, और स्पर्म का क्या करेगा, सेल वॉल डिस्टर्ब कर देगा, पूरी तरह से हॉस्टाइल बना देगा। एक रीजन हुआ कि स्पर्मिसाइडल एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन अगर स्पर्मिसाइडल आंसर नहीं है, ठीक है, हो सकता है वो आईयूडी दिया हो और स्पर्मिसाइडल नहीं आंसर दिया हो, क्योंकि वो दूसरा वाला पूछना चाह रहा, तो भी यहाँ पर भी टिक करके आना है कि वो इम्प्लांटेशन को रोकता है, ठीक, समझे।
दोनों आंसर सही है आईओडी के मामले में दोनों आंसर, लेकिन एक बेनिफिट इसका ये है कि फीमेल में ओव्यूलेशन हो रहा होगा ना, ओव्यूलेशन कहीं से डिस्टर्ब नहीं है, मतलब कि नो इफेक्ट उस फीमेल को ओव्यूलेशन होगा। अगर ओव्यूलेशन होगा मतलब कि प्रेगनेंसी का चांसेस अभी भी है ना, है 100%। अरे देखो अब ये जैसे 50 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज कर रहा है, 10 साल का है तो विथ एज विथ टाइम क्या होगा, इसका एफिकेसी कम होता जाएगा, एक समय आएगा जब ये हो रहा होगा और ये स्लो हो गया होगा या इतना ज़्यादा स्टेराइल इन्फ्लेमेटरी नहीं रिएक्शन नहीं होगा, तब मिस्टेक होता है। ठीक, हाँ अब पूरा समझ गए कॉपर टी क्या है, क्या है, कितना इंस्टॉल करता है, कैसे करता है। अब थोड़ा सा ज़्यादा समझ लो, ज़्यादा कैसे समझोगे, कब हम इंस्टॉल करेंगे कॉपर टी या IUCDs फीसी फीमेल्स में? एक बेबी के बाद नहीं, फर्टाइल एज में इंस्टॉल करना है। फर्टाइल मतलब कि उसका प्यूबर्ट, मतलब कि जो एडल्टहुड से मेनोपॉज के बीच में यूज़ करना है, ठीक है, मोस्टली फर्टाइल एज में बोलूँ तो। अब किसी फर्टाइल एज का दो ही रीज़न हो सकता है, या तो वो डिलीवरी के पहले आ रही है डॉक्टर के पास, या डिलीवरी के टाइम पे ही वो बोल रही है कि जब मेरा डिलीवरी हो रहा है तभी आप इंसर्ट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो दो ही सिस्टम है। तो अब डॉक्टर क्या, डॉक्टर के पास बहुत सारा ऑप्शन है करने के ऊपर। अगर डिलीवरी के टाइम डॉक्टर करना चाहता है उसका IUCD इंस्टॉल, तो क्या करेगा, जैसे पोस्ट प्लासेंटल मतलब डिलीवरी के 10 मिनट के अंदर, विद इन 10 मिनट्स क्या करेगा, डिलीवरी होगा उसके विद इन 10 मिनट्स के अंदर वो IUCD को इंस्टॉल कर देगा उस मदर के अंदर, डिलीवरी होने के बाद। हाँ, डिलीवरी होने के 10 मिनट के अंदर। अगर वो 10 मिनट में नहीं किया तो उसके पास 10 मिनट से लेकर 48 घंटा तक का समय मिलता है, 10 मिनट्स टू 48 आवर्स। उसको कहेंगे पोस्ट पार्टम प्लासेंटल पार्टम, पार्टम मतलब डिलीवरी होता है एक तरह का, ठीक है, 10 मिनट से फ्रॉम, या लिख दूं यहाँ पे ब्रॉड लेम लैंग्वेज में, विथिन 48 आवर्स, ठीक है। और नहीं तो अगर पोस्ट पार्टम में भी डॉक्टर किसी रीजन से इंस्टॉल नहीं किया तो वो 6 वीक तक का भी टाइम है ना, लैक्टल एमिनोरिया में अल्टीमेटली 6 वीक तक का अभी भी टाइम है, क्योंकि ये उस समय करना है मोस्टली, देखो समझो जब ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, या हमको चेक करना है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, फर्टाइल नहीं, मतलब कि प्रेगनेंसी अभी कंसीव नहीं हुआ। अगर वो प्रेग्नेंट हम IUCD इंस्टॉल कर दिए तो टेंशन की बात है ना, तो इसीलिए विद इन अगर 48 घंटा से 6 वीक तक करेंगे तो उसको इंटरवल कहेगा, विद इन 6 वीक्स। ठीक, ये 3 क्राइटेरिया है आप IUCD इंस्टॉल कराने। आप या तो फीमेल, या तो डॉक्टर उसको 10 मिनट के अंदर कर देगा, यानी तो थोड़ा टाइम लेगा 48 घंटे, यानी तो बोलेगा और थोड़ा टाइम ले लो आप 48 आवर्स के बीच में करेंगे। ठीक है, अगर दूसरा कोई फीमेल है, अगर मैं समझ गया कि फीमेल है डिलीवरी के टाइम है तो ये सिस्टम है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो लिया उसका रिसेंट डिलीवरी नहीं हुआ है हाल फिलहाल में, तो वो चाहती है IUCD इंस्टॉल कराना, तो क्या रिकमेंडेड है कि आप उसके 10 दिन के अंदर विद इन फर्स्ट 10 डेज ऑफ साइकिल, मोस्ट रिसेंटली नॉट डिलीवर्ड, ठीक है, अगर डिलीवरी नहीं हुआ है उसका रिसेंटली तो क्या करना है, विद इन फर्स्ट 10 डेज ऑफ साइकिल में इसको इंस्टॉल करा देना है, समझे। ये क्राइटेरिया है, आप IUCD को पूरी अच्छे तरह से समझ गए, कैसा दिखता है, क्या होता है, क्या काम करता है और कब इंस्टॉल कराना है। कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर इतना कंटेंट रहेगा तो भूलो, कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे, तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नहीं ये देखो अब IUCD हम इंस्टॉल करा दिए जैसे, लेकिन IUCD के साथ एक चीज़
अल्टीमेटली आप कोई भी अगर बैरियर मेथड यूज़ नहीं कर रहे हो तो मैं क्या बोलूँ, एसटीडी का चांसेस हमेशा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो उन वोमेंस में विथ आईयूसीडी इंस्टॉल्ड है जिसमें एसटीडी के चांसेस कुछ कुछ क्राइटेरिया है जिसमें बढ़ जाता है, कुछ कुछ फीमेल्स में क्राइटेरिया है जिसमें आईयूसीडी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वोमेन या फीमेल विथ अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल रिलेशनशिप मतलब बड़ी क्या मल्टी नहीं है, अनस्टेबल वर्ड मतलब कि कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, चेंज दो साल एक साल पे चेंजेस आता है, दैट इज अनस्टेबल। नहीं यार, या नहीं तो फीमेल विथ मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक, फीमेल विद अनस्टेबल रिलेशनशिप, या कुछ फीमेल्स हु आर ड्रग अब्यूजर्स एंड अल्कोहलिक्स, या अल्कोहलिक, मोस्टली यही तीन रीजन है जहाँ पे फीमेल एसटीडी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होगी। लेकिन अस तो मोस्टली क्या कहते हैं, बैरियर मेथड। लेकिन उस वोमेन में अगर आईयूसीडी इंस्टॉल है तो उनको एक बात का तो टेंशन है कि वो कंसीव नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन कंसीव के साथ उसको एसटीडी होने का चांसेस है आईयूसीडी के साथ भी। तो वी ऑलवेज रिकमेंड गो फॉर विथ आईयूसीडी, गो फॉर क्या, बैरियर मेथड। ठीक, अगर वो बैरियर मेथड यूज कर रहे हैं तो एसटीडी के चांसेस खत्म, और आईयूसीडी तो है ही, ठीक। अब मैं क्या बताया, फीमेल्स में ओव्यूलेशन को अफेक्ट नहीं करेगा यहाँ से, ठीक, ओव्यूलेशन का अफेक्ट नहीं करेगा। चलो, अब कोई फीमेल अगर आईयूसीडी इंस्टॉल की है, क्या बताया मैं, अगर कोई फीमेल में आईयूसीडी अपन इंस्टॉल किए, दैट इज कॉपर कंटेनिंग सेकेंड जनरेशन आईयूसीडी, और बाय मिस्टेक मिसहैप के कारण वो कंसीव कर लेती है, हाँ, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कंसीव हो जाता है, ठीक है। तब अब क्या चांसेस है, दो ही है, आइदर सी इज़ नॉट हैप्पी, आइदर सी इज़ ठीक है, चलेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। एंड इफ सी इज़ नॉट हैप्पी तब क्या करना पड़ेगा, एक और बात मैं इसको बताने से पहले एक बता दूँ कि आईओसीडी क्या होता है, नॉट टेराटोजेनिक, टेराटोजेनिक। अब टेराटोजेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, कि हार्मफुल नहीं है बेबी के लिए, हार्मफुल नहीं है बच्चे के लिए, हार्मफुल नहीं है। आईओसीडी रहेगा भी तो कोई दिक्कत, नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब दो कंडीशन हो सकता है, सी इज नॉट हैप्पी तो क्या करना पड़ेगा मुझे, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, अरे भाई और देखो कि एक राई के दाने से भी छोटा होता है भ्रूण, वीडियो में तो मैंने इतना बड़ा देखा है, इतना बड़ा तो बच्चा ही पैदा लेता है, ठीक है। अब दो कंडीशन है मेरे पास, इफ सी इज नॉट हैप्पी तो क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर बोलेगी रिमूव द आईयूसीडी, आईयूसीडी रिमूव करो और एमटीपी कर दो, कल बताया मैं एमटीपी, हाँ ठीक है, अबॉर्ट कर दो बेबी को। एंड इफ सी इज हैप्पी, सी इज हैप्पी, सी इज ओके विद द प्रेगनेंसी, व्हाट वी नीड टू डू, अगर दो ही रीजन हो सकता है, क्या मैं क्या बताया था, आईयूसीडी में एक थ्रेड होता है ना, फील करने के लिए, अगर थ्रेड विजिबल है, दैट इज विजिबल, और कुछ ऐसे कंडीशन में मान लो थ्रेड अंदर चला गया, लेट प्रेगनेंसी है, नॉट विजिबल, अगर विजिबल है तो क्या बोलेंगे, रिमूव द थ्रेड एंड कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी, थ्रेड होता है कि रिमूव द आईयूसीडी, आईयूसीडी रिमूव कर दो एंड सी इज हैप्पी, ठीक, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गया,
अगर थ्रेड विजिबल नहीं है, अगर विजिबल नहीं है तो भी उसके पास दो ऑप्शन है, रिमूव दबे नहीं भाई। अरे तो है, खुश है तो बेबी क्यों रिमूव कर देगी। अगर थ्रेड विजिबल नहीं है तभी मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। दो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन मेरे पास है कि मैं, वो चाहती है कि मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे कोई सर्जरी नहीं कराना चाहती और मैं थ्रेड के साथ IUCD के साथ कंटिन्यू करेंगे, इट्स नॉट हार्मफुल फॉर बेबी, कोई दिक्कत नहीं है, तो सी कैन कंटिन्यू। क्या हो सकता है? कंटिन्यू। एंड फिर उसको डॉक्टर समझाएगा कि दिक्कत अभी दिक्कत नहीं, आगे दिक्कत हो सकता है, तो वो क्या बोलेगी? रिमूव इट। अब रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक माइनर सा सर्जरी करना पड़ेगा उसका। थ्रेड विजिबल नहीं है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो मैं क्यों बोला कंटिन्यू? डॉक्टर्स ऐसे, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एडवाइस होती है, वो हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करता है तो आप इसको रिमूव करवा लो, इसलिए नहीं कि उनको पैसा बने, इसीलिए क्योंकि जब भी IUCD रहेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्टिल बर्थ के चांसेस बढ़ जाएंगे और हो सकता है प्री मैच्योर भी लेबर हो जाए, प्री मैच्योर लेबर हो जाए, या हो सकता है कि बेबी को अबॉर्शन कराना पड़े आगे जाके, ठीक। तभी क्यों? PID बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा वहाँ पे, स्टेराइल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या हो जाएगा? अनस्टराइल हो जाएगा, तो इसलिए सिचुएशंस ख़राब हो जाएंगे, समझे? इतना सारा चांसेस है। तो चलो मैं ब्रॉड में बताता फिर से, ठीक। अगर किसी फीमेल में IUCD इंस्टॉल की अपन, ठीक, और मिस हैप के कारण वो कंसीव कर ली, प्रेग्नेंट हो गई, तो दो चांसेस हैं मेरे पास। इफ़ सी इज़ नॉट हैप्पी, रिमूव द IUCD एंड परफॉर्म द MTP, ठीक। अगर वो खुश है प्रेग्नेंट वुमेन कि मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव कर कंटिन्यू करना है ये, तो भी उसके पास दो ऑप्शन, IUCD में थ्रेड दिखते हैं, अगर थ्रेड विजिबल नहीं है तो ऑप्शन से अगर थ्रेड विजिबल है तो थ्रेड डॉक्टर रिमूव कर देगी, गायनेकोलॉजिस्ट को रिमूव कर देगा एंड सी कैन कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी। इफ थ्रेड विजिबल नहीं है तो भी उसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये आप IUCD अंदर है, आप कंटिन्यू कर सकते हो प्रेगनेंसी का, क्योंकि IUCD टेराटोजेनिक नहीं है, बच्चों के हार्मफुल नहीं है, या नहीं तो आपको रिमूव करा देना चाहिए। हमेशा गायनी या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप IUCD रिमूव करा लो, उसके लिए बहुत सारे मेथड है, माइनर सर्जरीज है, लैप्रोस्कोपिक प्रोसीड्योर है। क्यों करते हैं कि रिमूव करा लो? क्योंकि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा IUCD के साथ अगर बॉडी में रहेगा तो, स्टिल बर्थ के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इन सब के कारण क्या होगा? प्री मैच्योर लेबर हो सकता है, या नहीं तो चांसेस अबॉर्शन भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमें IUCD कहते हैं, रिकमेंडेड है कि आप रिमूव करवा लो। चलो ये एक बार में पढ़ा देंगे, मिरीना 3rd generation, इसको लिख लो। चलो आखिरी है मेरे पास मिरीना, दैट इज क्या है, वो 3rd generation है, ठीक है। अब 3rd generation है तो दो तरह का मैं बताया, पहला क्या है, प्रोजेस्टेट, दिख नहीं रहा इसमें नाम ना, इसको लिख देता प्रोजेस्टाट, ठीक, और दूसरा है लीवो नॉर जेस्ट्रिल 20, ठीक। इसमें क्या होता है, 52 mg का रहता है ये, 52 mg, और रोज कितना रिलीज होगा, 20 micrograms per day फॉर 5 years, ठीक। अभी पूरा पूरी जो यूजेस हो रहा है वो लीवो नॉर जेस्ट्रिल हो रहा है, ठीक है। मार्केट में जो अवेलेबल है, जो यूज़ हो रहा है नॉर्जेस्ट्रिल, ये काम कैसे करता है ये सब, इसमें कोई भी कॉपर नहीं है, नो कॉपर रिलीजिंग, ठीक, हार्मोन है तो क्या करे, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा ये, अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा तो क्या काम होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, बॉडी को बताएगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुका है, तो ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देगा, एन ओव्यूलेशन है लेके चल जाएगा ना, एन ओव्यूलेशन स्टेट में लेके चले जाएगा तो प्रेगनेंसी होगा ही नहीं। मेंस्ट्रुएशन
हाँ कितने टाइम के लिए? 5 साल पीरियड्स स्टॉप, ठीक है। अल्टीमेटली दूसरा फेज क्या होगा? हाँ कुछ बोले क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल दो पार्ट का है, ल्यूटियल या प्रोलिफरेटिव और दूसरा सिक्रेटरी। तो क्या करेगा, हमेशा उसको सिक्रेटरी फेज में ही रखा है अल्टीमेटली, तो सिक्रेटरी फेज में रखा है तो नो ल्यूटल एक्टिविटी या डिक्रीज ल्यूटल एक्टिविटी। बताते हैं ना, ठीक। आईयूसीडी, आईयूडी मिरेना दो तरह का है, प्रोजेस्टाट और लिवोनॉर्जेस्टर। लिवोनॉर्जेस्टर इतने mg का आता है, वो रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइप हार्मोन का काम करता है, ओव्यूलेशन होने ही नहीं देगा, ल्यूटल एक्टिविटी स्टॉप करेगा। क्यों करेगा ये देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या काम करेगा। यहाँ पे मैं LNG लगा दिया, LNG 20 mg का इंस्टॉल करा दिया किसी फीमेल में, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, चलो दूसरा पेन ले लें, ये वाला कलर का पेन ले लेते हैं, ठीक। LNG सबसे पहले कहाँ ले जाऊँ इसको, इधर ही ले चलो, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। ये रिलीज क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन हम बहुत ज़्यादा लेवल में रिलीज होता है, तो मैं क्या बताया था, GnRH बंद हो जाएगा, GnRH बंद हो जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या बंद हो जाएगा, LH और FSH ब्लॉक। अगर LH बंद हो गया तो क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, क्योंकि LH का पीक नहीं आएगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। अब LH नहीं आएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप नहीं होगा, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप नहीं हुआ मतलब कि अल्टीमेटली एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोलिफरेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम ब्लॉक। अब FSH नहीं आया तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल नहीं होगा, फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली सब रिलेटेड ओव्यूलेशन नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल ब्लॉक, हाँ समझ गए। सबसे पहला मैकेनिज्म पेन चेंज करता, ठीक। अब लिवोनॉर्जेस्टेरोन एनोविलेशन करा दिया, ठीक है। सबसे पहला मैकेनिज्म एनोविलेशन करा दिया ना, ठीक। अब लिवोनॉर्जेस्टेरोन क्या करेगा ये दवा, अब अल्टीमेटली अब LH नहीं रिलीज हो रहा है, LH नहीं आ रहा है मतलब क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन नहीं आ रहा है। अब एस्ट्रोजन नहीं आएगा तो एंडोमेट्रियम बनेगा नहीं, अब एंडोमेट्रियम बनेगा ही नहीं तो इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, तो प्रिवेंट से इम्प्लांटेशन। है ना, ब्लॉक कर देगा इम्प्लांटेशन को। अब लिवोनॉर्जेस्टेरोन का एक खासियत है, चलो दूसरा आगे देख लो, रहने दो, चलो ये देख लो, लिवोनॉर्जेस्टेरोन क्या करेगा, ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करेगा, जो स्मूथ मसल से नहीं है इंटरनल मसल स्मूथ मसल है, अब इस मसल को रिलैक्स करा देगा। तो पेरिस्टाल्सिस के वजह से जो ओवम है आगे कैसे जाता है, पेरिस्टाल्सिस मोमेंट की वजह से, तो सिलियरी मोमेंट्स को स्टॉप कर देगा, तो डिक्रीज कर देगा क्या चीज, ओवम का मोमेंट को। एक तो ओवम रिलीज नहीं होने दिया है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी हो भी जाता है तो ओवम रिलीज भी हो गया है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। अब लिवोनॉर्जेस्टेरोन यहाँ सर्विक्स के ऊपर आता है प्रोजेस्टेरोन में, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस को कल बताया था क्या, थिक कर देगा। अब सर्वाइकल म्यूकस थिक हो गया तो स्पर्म अंदर ही नहीं आएगा, इसीलिए थिक कर देगा सर्वाइकल म्यूकस को। अब सर्वाइकल म्यूकस थिक हो गया तो PID नहीं होगा, PID मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। अब जो भी अगर मान लो वजाइना के अंदर पेनिस का इंट्रेड होता है
तो यहीं तक है जो भी रीजन है। अगर कोई इन्फेक्शन साथ भी आ रहा है तो यहाँ पे तो एक क्लंप बना हुआ है, तो कुछ भी इन्फेक्शन अंदर नहीं आएगा, तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज नहीं होगा। अरे तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में बहुत सारा चीज़ आता है। अरे एसटीडी तो एक स्पेसिफिक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज मतलब कि आप हाइजीनिक नहीं हो, ऐसा कुछ कुछ डिस्टर्बेंस। ठीक, समझ गए? यस सर। एक मिनट, फिर से बताऊं क्या? इसके बाद का? इसके बाद कुछ नहीं है दिक्कत। अच्छा अच्छा, चलो मैं पहले इसको बताता। चलो यही है दिक्कत। चलो दिक्कत जानना ज़्यादा जरूरी है तेरे लिए। चलो मैं इसको बताता तो तुम ही बता लोगे दिक्कत क्या होगा। ठीक है, फिर से। IUD मीन्स मेरीना, दैट इज प्रोजेस्टार्ट और लिबोनॉर्जेस्ट्रेल। ठीक है, अगर किसी फीमेल में हार्मोन बेस्ड इंट्रायूट्राइन डिवाइस अगर हम इंस्टॉल करा दिए तो क्या होगा, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अल्टीमेटली क्या करा देगा, ओव्यूलेशन के फेज में उसको जाने ही नहीं देगा, क्योंकि LH का रिलीज नहीं होने देगा। एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा तो LH सर्ज नहीं आएगा। ठीक है, अल्टीमेटली कंबाइंड है तो अनओव्यूलेशन हो गया। दूसरा, अगर LH रिलीज नहीं हो रहा है तो एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम का वॉल नहीं बनेगा, एंडोमेट्रियम का वॉल नहीं बनेगा तो वो अलता फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया माई मिस्टेकली तो इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, उसके लिए तो जगह ही नहीं है, खेल खत्म। तीसरा, वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करेगा। अगर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करेगा तो पेरिस्टाल्सिस सिलियरी मोमेंट को स्टॉप कर देगा। सिलियरी मोमेंट स्टॉप हो गया मतलब कि ओवम आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमेशा सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा, अगर एक हॉस्टाइल टाइप का सर्विक्स में स्टेटस बना देगा, स्पर्म अंदर ही नहीं आ पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। लेकिन अब एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स, तो उसी के साथ इसका कॉन्स आता है। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है, क्योंकि हर दो महीने एक महीने में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, लेकिन चार महीने, पाँच महीने, छः महीने में तो ये हो जाएगा, एंडोमेट्रियम बनेगा और एक समय के बाद वो सेड ऑफ होगा, तो इरेगुलर पीरियड्स आ सकता है। लेकिन अगर कंसीव कर ली फीमेल किसी रीजन से, बाय द वे किसी रीजन से, तो यहाँ पे तो पेरिस्टाल्सिस है और ये ब्लास्टोसिस मोरूला पेरिस्टाल्सिस के कारण आगे आता था वो भी, तो पेरिस्टाल्सिस हो ही नहीं रहा है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। हाँ, इम्प्लांटेशन यहीं पे हो जाएगा और यहीं पे इम्प्लांटेशन हो गया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। तो साइड इफेक्ट क्या हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और साथ साथ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्या तो फिर दिक्कत ही ऐसा थोड़ा ना, दो चार किलो गिर जाएगा कुछ तो होगा। अरे ये एक्चुअली पूरी तरह से एमिनोरिया है। एमिनोरिया क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आना। अब उसमें माइनर ब्लीडिंग होगी एकदम हल्का, तो क्या वो भी कब होगा, जब कोई आदमी झटका वटका लगेगा अचानक से, कहीं गिर गया अचानक से, तो एक दो दिन बाद एक जो दो चार घंटे में पीरियड आ जाता है, है ना। एक्सरसाइज वाइज करके आओ, बहुत ज़्यादा पेल्विक इन्फ्लामेटरी, आप स्क्वाट करो पीरियड से पहले, पीरियड आ जाएगा। तो इसलिए तो स्क्वाट क्या है, एक्सरसाइज पेल्विक रीजन का आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको पीरियड आने का चांसेस बढ़ जाता है उस टाइम पे, क्योंकि क्या होगा एंडोमेट्रियम झटका के कारण, अगर ये मतलब बॉडी के प्रोसेस नहीं है तो एक झटका के कारण भी पीरियड्स आ जा सकता है अचानक से। जो अचानक से क्या होता है, सीढ़ी से गिर गए मूवी में देखते हो इनिशियल डेज में, और अचानक से अबॉर्शन हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, क्या है झटका, मतलब इन द सेंस ऐसा मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल ये होना चाहिए कि वो सिस्टम डैमेज हो जाए पूरी तरह से। अब हर चीज़ का प्रोज है तो कॉन्स है। ठीक है, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिक मतलब कि रिप्रोडक्शन के अलावा क्या यूज़ हो सकता है, इसको रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म के अलावा। तो एक तो क्या है, उन फीमेल में हम यूज़ कर सकते हैं जिसको डिसमेनोरिया होता है। डिसमेनोरिया मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स, अब उसको कंसीव भी नहीं करना है। ठीक है, कोई फीमेल
अब उसको फर्टिलाइजेशन के फेज में भी नहीं जाना, लेकिन उसको डिसमेनोरिया हो रहा है। डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल पीरियड्स आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा ब्लीडिंग को रोक दूँ, डिक्रीज कर देगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक। दूसरा ये काम क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को बनने ही नहीं देगा। मैं उन फीमेल में इंस्टॉल कर दूँ जहाँ पे एंडोमेट्रियम, जिनमें बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग्स होती है, या एंडोमेट्रियम बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है, ठीक है, जहाँ पे कैंसर होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये तो पॉलीफ्रेटिव और ये एंटी पॉलीफ्रेटिव है, तो एक तरह से कैंसर रोक सकता हूँ मैं इससे कुछ हद तक, कैंसर का दवा नहीं है लेकिन एंटी पॉलीफ्रेटिव है, प्री कैंसरस कंडीशन में यूज़ कर लो इसको, ठीक है। और अब क्या बचा है भाई, तीसरा पॉइंट, अब ये सर्वाइकल म्यूकस को तो मैं बताया ही था, अब सर्वाइकल म्यूकस ठीक हो जाएगा तो क्या होगा, पीआईडी स्टॉप हो जाएगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज से बहुत हद तक बचा जा सकता है। हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन इसके साथ साथ इसका इधर लिखा हूँ क्या, हाँ इधर लिखा हूँ, चलो लिवोनॉर्जेस्ट्रिल, मैं पहले ही बता दिया हूँ इसको पूरा पॉइंट कि पेरिस्टाल्सिस को इनहिबिट कर देता है, तो क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांसेस इंक्रीज हो जाता है, ठीक। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज़ मैंडेटरी है कि हीमोग्लोबिन मिनिमम 7 होना चाहिए आईओडी इंस्टॉल करने के लिए, कितना, 7, 7 से नीचे रहा तो नहीं हो सकता। अब एनसीईआरटी का एक दो पॉइंट्स जो इसमें पूरे लेक्चर में कवर नहीं हुआ है वो बता देता, डॉक्टर एनसीईआरटी कहता है कि आईयूसीडी इंस्टॉल कराने के लिए हमेशा आपको एक्सपर्ट्स का हेल्प लेना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स मतलब कि डॉक्टर का ले लो या नर्सेस का ले लो या कोई हेल्थ केयर वर्कर है, ठीक है, उस रेंज में ले लो। आईयूडी हमेशा क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करेगा, मैं पूरे लेक्चर में बता ही दिया हूँ, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करेगा, ठीक है। तीसरा, एनसीईआरटी कहता है कि इट इज़ द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक, हाँ है, मानते हैं, हम भी मानते हैं, हाँ है, लेकिन उसके साथ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक के साथ कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। अब ऐसा नहीं है आइडियल बोल दिया तो आइडियल, क्योंकि एसटीडी के चांसेस इसमें इंक्रीज हैं अगर उसके साथ वो कंडीशन है तो, है ना, जिसके, और फिर उन फीमेल्स में नहीं कर सकते जो फर्टाइल पीरियड में है और जिनको कंसीव करना है आगे 2-3 साल में, उनमें कर सकते हैं जो जिनको बहुत लॉन्ग टर्म गैप में जाना है ना, क्योंकि अगर मैं बताऊं, अगर कोई सिस्टम बनना, साइकिल चलना बंद कर दिया हूं मैं पूरी तरह से, तो उसका फर्टिलिटी वापस आने में जितना दिन बंद करूंगा, जितना दिन है उसके और 1.5 गुना आगे चल जाता है या 0.75 टाइम्स आगे चले जाता है। एनसीईआरटी कहता है दिस इज मोस्ट widely accepted method, तो इसीलिए भी widely accepted है क्योंकि सरकार फ्री से दे रही है ना।